अरे रूपा, ये रीढ़ की हड्डी का दर्द ना जाने मेरी जान ले लेगी एक दिन। जरा सी मालिश कर देना प्लीज। अच्छा ठीक है बाबा, दो मिनट ठहरो। रूपा ने जैसे ही कमलेश के कंधों को छुआ, कमलेश तंदुरुस्ती से जैसे उछल पड़ा। अरे वाह रूपा, तुम तो एकदम जादूगरनी निकली। तुम्हारे मुलायम हाथ के स्पर्श होते ही जैसे तन में एक नई जान आ गई हो। मेरा दर्द पता नहीं कहां गायब हो गया। अब रहने दो, जाओ जाकर अपना काम करो। मुझे अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। चलो अब मक्खन ना लगाओ, मैं चली घर के काम करने, बहुत काम पड़ा है। रूपा किचन में जाकर काम में व्यस्त हो गई। तभी कमलेश बिस्तर से उठा और अपनी जेब टटोलने लगा, जो उसे खाली मिली। उसने फिर एक बार रूपा को आवाज लगाई। अरे माफ करना, तुम्हें एक और तकलीफ दे रहा हूँ। वो दरअसल मेरी दवाइयाँ ना जाने कहाँ रखी है, उसे जरा ले आना। तुम भी ना हद करते हो, अपनी दाई पॉकेट में हाथ लगाओ। कमलेश जैसे ही अपनी दाई जेब दोबारा से टटोलता है, उसे उसमें उसकी दवाइयां मिल जाती है। इसे देखकर वो थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि कुछ सेकंड पहले जब उसने अपनी जेब चेक की थी तब तो उसे खाली मिली थी, फिर अचानक दवाइयां। खैर, इसे वो फिलहाल के लिए नजरअंदाज करते हुए दफ्तर जाने के लिए तैयार होता है। अच्छा सुनो, अब मैं निकलता हूँ। सुनो, सवारी लेते वक्त जो पहली सवारी मिले उसे छोड़ देना, जबकि उसकी अगली सवारी लेना, और ऑफिस में जाकर सबसे पहले अपनी चेयर को चेक कर लेना, तभी उस पर बैठना, समझे? कमलेश को रूपा की बातें कुछ खास पल्ले नहीं पड़ती। वो उस पर हंसते हुए कहता है, अच्छा मैडम ऐसा है क्या, ठीक है अब मैं निकलता हूँ। फिर कमलेश बाहर सड़क पर सवारी के इंतजार में होता है। तभी उसे सामने एक टैक्सी आती दिखाई देती है, जिसके बम्पर पर एक लाल झंडा टंगा था। ओ टैक्सी, लेकिन एक मिनट, मैं इसे ले लूं या इसे जाने दूं? रूपा ने पहली सवारी लेने के लिए मना किया था। खैर छोड़ो, उसने भी ऐसे ही मजाक में बोला होगा। कमलेश इतना सब कुछ सोचकर उस टैक्सी को रोकने का मन बना लेता है, लेकिन इससे पहले वो उसे हाथ दिखाकर रोक पाता, वो टैक्सी उसके ठीक सामने से गुजर जाती है। ओफो, ये तो चली गई, अब दूसरी का इंतजार करना पड़ेगा। कुछ मिनट बाद उसे अगली टैक्सी आती दिखाई देती है। वो तुरंत उसे हाथ दिखाता है और फिर उसमें बैठ जाता है। कुछ दूर आगे आने के बाद अचानक से ड्राइवर गाड़ी रोकते हुए बोलता है, अरे साहब आगे तो बहुत भीड़ है, लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है। कमलेश उतरकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। यह एक्सीडेंट उसी पहली टैक्सी का था जिसे कमलेश ने नहीं लिया था। वो उस टैक्सी पर टंगे उस लाल झंडे को साफ साफ पहचान पा रहा था। कमलेश खुद को बड़ा किस्मत वाला समझ रहा था, जिस वजह से आज बाल बाल उसकी जान बच गई। खैर, इसके बाद वो दूसरे रास्ते से ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को वो थका हारा ऑफिस से घर लौटता है। क्या हुआ जी, कैसा रहा आज का दिन? अरे रूपा, तुम आज तुम्हारी बातों ने मुझे बचा लिया। मेरी बातों ने? क्या मतलब? हाँ वही टैक्सी वाली बात जो तुमने बोली थी कि पहली टैक्सी मत लेना, खतरा है, वही हुआ। जैसी ही मैं दूसरी टैक्सी से आगे पहुंचा, मैंने देखा उस पहली टैक्सी का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। वाह जी, इत्तेफाक भी न जाने कैसा कैसा हो जाता है। अच्छा सुनो, मैं ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरा सामान पैक कर देना। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते, उस कलमूही के साथ रंगरलिया मनाने जा रहे हो, लौटना फिर बताती हूँ। क्या क्या कहा तुमने? आप नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं कहा। अगले दिन
वो सुबह सुबह अपने काम के सिलसिले से निकल जाता है और इधर रूपा एकदम अकेली हो जाती है। यहाँ कमलेश सड़क पार कर रहा होता है और हर बढ़ते कदम के साथ उसकी खुशी दोगुनी होती चली जा रही थी। वाह, क्या किस्मत है मेरी। जट से सोनाली को फोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं निकल गया हूँ। एक हफ्ता उस हुस्न की मल्लिका के साथ खूब मौज करूंगा। कमलेश ऑफिस स्टाफ सोनाली के साथ अपना ट्रैवल प्लान कर रहा है, जहां उसके मन में कई तरह के ख्याली पुलाव पक रहे थे। एक हफ्ते बाद कमलेश खुशनुमा तरीके से अपने घर लौटता है। रूपा, रूपा, कहाँ हो तुम? वो इतना कहकर जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है, घर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा घर बिखरा पड़ा था, सारे सामान टूटे फूटे फर्श पर बिखरे पड़े थे। तभी अचानक घर की ट्यूबलाइट फ्लिक करने लग जाती है। घर का इतना गंदा माहौल देखकर कमलेश को रूपा के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आता है। वो चीखते हुए अपने बेडरूम की तरफ जाता है। रूपा, रूपा, ये क्या हालत कर दी है तुमने घर की? मैं एक हफ्ते के लिए घर से बाहर क्या गया, तुमने तो मेरे घर को कबाड़ खाना बना दिया। इतना बोलते हुए कमलेश जैसे ही अपने बेडरूम का दरवाजा हल्का सरकाता है, सामने उस खौफनाक नजारे को देखकर उसकी रूह कांप उठती है। वो देखता है उसका बेडरूम साक्षात कसाई खाना बना है। कमरे की छत पर जालर की बजाय लाश टंगी है, जिसके बदन से खून का एक कतरा तक बाकी नहीं छोड़ा है। वहीं कमलेश तभी रूपा को देखता है, जो कि एक चुड़ैल में बदल चुकी थी और लगातार कच्चे मांस के टुकड़े को चबाए जा रही थी। बाप रे, मेरी पत्नी तो चुड़ैल है। जल्दी से मुझे निकलना होगा यहाँ से। मैंने इसका असली चेहरा देख लिया है तो शायद अब ये मुझे भी मार देगी। इतना सोचते हुए कमलेश तुरंत पीछे हटने लगता है, लेकिन तभी रूपा गुर्राते हुए बोलती है, ओहो, तो आ गया तू उस कलमोही के साथ रातें गुजार के। अब मरने के लिए तैयार हो जा। तुम्हें कैसे पता कि मैं सोनाली के साथ था? बड़े बुजुर्गों की कहावत नहीं सुनी क्या? चुड़ैल की तीसरी आंख हमेशा तुम्हारा पीछा करती है और हर पल की खबर रखती है। कमलेश घबराकर भागने की सोच ही रहा था कि तभी पूरे घर की लाइट्स एक साथ फ्यूज हो गई, जिससे कमलेश की आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया। अब वो चाह कर भी भाग नहीं सकता था, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अंधेरे के भीतर से पायल खनकती हुई आवाज कमलेश की तरफ बढ़ रही थी, और तभी एक झटके में अंधेरे से निकला उस चुड़ैल का हाथ कमलेश को उस गुप्त अंधेरे में खींच ले जाता है, जिससे उसकी एक तेज चीख निकलती है और फिर हमेशा के लिए उसकी आवाज बंद हो जाती है। मेघा बहुत दिनों के बाद अपनी सहेली से मिलने के लिए गांव जा रही थी। उसकी ट्रेन बहुत रात को गांव के स्टेशन पर पहुंची। वो ट्रेन से उतरी और आसपास रिक्शा या टैक्सी ढूंढने लगी। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। मेघा को दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो थोड़ी बेचैन हो गई। बहुत ढूंढने पर उसे एक रिक्शा नजर आया, जिसके अंदर उसका ड्राइवर सो रहा था। मेघा उस रिक्शा वाले के पास गई। सुनिए भाई साहब। क्या है? जी, मुझे गांव जाना है। ड्राइवर ने आंख खोलकर मेघा की तरफ देखा और एकदम से डर कर चिल्लाने लगा, चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल,
चुड़ैल, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। चिल्लाते चिल्लाते मेघा से दूर जाने लगा। ये आप क्या कह रहे हो? आप डरिए मत, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। रुकिए। ड्राइवर शांत होके धीरे धीरे मेघा के पास आने लगा। आप चुड़ैल नहीं है तो कौन है आप? मैं शहर से आई हूँ, इस गांव में मेरी सहेली रहती है। क्या आप मुझे गांव तक छोड़ सकते हैं? अगर मैंने आपको गांव तक छोड़ा तो वो चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी। चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? लाल साड़ी वाली चुड़ैल। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, चलिए। आप साथ है तभी तो डर लग रहा है। आपने लाल रंग पहना है जो चुड़ैल को बिल्कुल पसंद नहीं। गांव में अगर कोई भी लाल रंग के कपड़े पहनता है तो चुड़ैल उसके शरीर को दो टुकड़ों में फाड़ कर जमीन में गाड़ देती है। ये सब सुन के मेघा थोड़ी डर गई, पर फिर अपने आप को संभालते हुए कहा, देखिए बात को समझिए, इतनी रात को मैं चल के नहीं जा सकती, और यहाँ दूसरी रिक्शा भी नहीं है। चाहे तो ज्यादा पैसे ले लीजिए, पर प्लीज यहाँ से चलिए। अब ठीक है, पर मैं आपको गांव के बाहर एक मंदिर है वहीं छोड़ूंगा, आगे आपको खुद जाना होगा। ठीक है, चलिए। मेघा ना खुशी से मान गई और दोनों गांव की तरफ निकल पड़े। कुछ ही देर में वो मंदिर के पास पहुंचे। मेघा ने ड्राइवर को पैसे दिए और ड्राइवर मंदिर में हाथ जोड़कर वहां से निकल गया। मेघा अकेली रह गई। उसे गांव नजर आ रहा था, पर चुड़ैल की कहानी सुनकर वो थोड़ी सी डरी हुई थी, पर हिम्मत करके वो गांव की तरफ बढ़ने लगी। मेघा सड़क पर चल रही थी, उतने में उसे पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उसने घबराकर पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। उसका ध्यान जमीन की ओर गया और डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। जमीन पर खून से रंगे हुए पैरों के निशान थे जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। मेघा ने अपने पैर उठा के देखे तो वो बिल्कुल साफ थे। मेघा ने डर कर उल्टे पांव चलना शुरू कर दिया, पर वो पैरों के निशान उसका पीछा करते रहे। मेघा रुक गई। वो निशान चलते चलते उसके बगल में आके रुके। मेघा वहां से जाने के लिए मुड़ी, और जैसे ही वो मुड़ी उसके कंधे पर एक खून से लथपथ हाथ पड़ा। मेघा इतनी डर गई कि वो चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागने लगी। मेघा चिल्लाते हुए गांव में पहुंची। मुझे बचाओ, वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी, मुझे बचाओ। बहुत से लोग अपने घर से बाहर आ गए, मेघा की सहेली भी बाहर आ गई। मेघा ने उसकी सहेली को उसके घर के बाहर आते हुए देखा और पूरी ताकत से वो घर के अंदर भागी। उसकी सहेली भी उसके पीछे भागती हुई अंदर गई। तू लाल रंग पहन के क्यों आई है गांव में? गलती मेरी ही है, तुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था। एक काम कर, तू भाग जा गांव से, वरना ये चुड़ैल तुझे नहीं छोड़ेगी, मेरे पति की तरह तुझे भी मार डालेगी। वो दोनों घर में बात कर रहे थे तभी चुड़ैल का खून से लथपथ एक हाथ दरवाजा तोड़कर अंदर आया और मेघा को घसीटकर बाहर ले जाने लगा। चुड़ैल के हाथ ने मेघा को घसीटकर घर के बाहर फेंक दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। गांव वाले मेघा को देखने के लिए उसके पास जाने लगे। मेघा के ऊपर लाल रोशनी में लाल साड़ी वाली चुड़ैल दिखने लगी। गांव वाले रुक गए और अपने घरों की तरफ भागने लगे। चुड़ैल का रूप बहुत भयानक था। पूरी साड़ी खून में लथपथ होने के कारण वो खून की बूंदे मेघा के शरीर पर गिर रही थी। मेघा का चेहरा खून से लाल हो गया था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस गांव में कोई भी लाल रंग के कपड़े पहनकर नहीं आना चाहिए, पर तुम लोग मेरी बात नहीं मानते। अब ये लड़की जान से जाएगी।
इतना कहकर वो चुड़ैल भयानक हंसी हंसने लगी। चुड़ैल को देखकर मेघा भागने लगी। मेघा को भागता देख चुड़ैल ने अपने हाथ लंबे किए और उसको हवा में उठा लिया। चुड़ैल ने मेघा को अपने सर के ऊपर उठाया और उसके शरीर को बीच में से फाड़ने लगी। जैसे जैसे मेघा के शरीर के दो टुकड़े हो रहे थे, वैसे वैसे मेघा का गर्म खून चुड़ैल के सिर पर से पूरे शरीर पर फैलने लगा। उस खून की वजह से चुड़ैल की साड़ी और भी लाल होने लगी। शरीर के फटते वक्त मेघा इतने जोरों से चीख रही थी कि उसकी चीखों की वजह से पूरा गांव थरथरा उठा था। सारे गांव वालों की रूह कांप उठी। अंत में मेघा के शरीर के दो टुकड़े हो गए और वो वहीं हवा में लटकते रहे। चुड़ैल जोरों से हंसने लगी। उसने अपने हाथ जोर से जमीन पर दे मारे और उसकी वजह से जमीन में दो गड्ढे हो गए। चुड़ैल ने अपने दोनों हाथों में दो टुकड़े लिए और दोनों गड्ढों में एक एक फेंक दिया। जैसे ही टुकड़े गड्ढे में गिरे, उस पर अपने आप मिट्टी गिरने लगी और देखते ही देखते गड्ढा बुझ गया। जमीन जैसी थी वैसी हो गई। चुड़ैल के अंदर से लाल रोशनी निकलने लगी और उस रोशनी में वो गायब हो गई। चुड़ैल के जाते ही मेघा की सहेली उस गड्ढे वाली जगह पर आई और रोने लगी। धीरे धीरे सारे गांव वाले इकट्ठा होने लगे। एक बहुत ही मशहूर हिल स्टेशन था। लोग यहां दूर दूर से घूमने आते थे। इस हिल स्टेशन पर बहुत चहल पहल थी, पर अब सन्नाटा छाया रहता है, जैसे कोई कब्रिस्तान हो। और इसका कारण है अंधी चुड़ैल। इसलिए कोई इस रास्ते से नहीं गुजरता। लेकिन जब किस्मत ही खराब हो तो इंसान क्या करे। राहुल अपनी पत्नी साक्षी के साथ कार से इसी रास्ते से जा रहा था और अचानक कार बंद पड़ गई। नहीं नहीं, यहां गाड़ी खराब नहीं होनी चाहिए। चल चल चल। क्या नहीं नहीं, तुम्हारे साथ तो मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। अरे चुप हो जाओ, पहले तो ये गाड़ी और अब तुम। तुम्हारे साथ कभी बाहर जाती हूँ तो कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। वैसे तुम्हें पता तो है ना राहुल, यहाँ अंधी चुड़ैल रहती है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। वो अंधी चुड़ैल लोगों को मार देती है। अब चुपचाप मेरी बात सुनो और गाड़ी से निकलो, यहाँ हमारी जान को खतरा है। दोनों कार से निकलकर चलने लगते हैं। दोनों पति पत्नी देवी माँ के मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। चल चल के दोनों ही थक चुके थे। वो मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं और ना जाने कब दोनों की आंख लग जाती है। साक्षी की आंखें खुलती है। वो हिल स्टेशन के ऊपर होती है और उसी के सामने अंधी चुड़ैल खड़ी होती है। ये देख साक्षी चीखने ही वाली होती है कि तभी राहुल साक्षी का मुंह बंद कर देता है। चीखना मत, वो अंधी चुड़ैल हम दोनों को देख नहीं सकती। राहुल, हम ऊपर कैसे आए? मुझे नहीं पता, बस हमें यहाँ से निकलना है। अंधी चुड़ैल दूसरी तरफ देख रही थी। दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं कि तभी अंधी चुड़ैल को कदमों की आवाज आती है। चुड़ैल दोनों के पीछे दौड़ने लगती है। वो लोग गलत दिशा में दौड़ते दौड़ते पहाड़ के एक सिरे पर आ जाते हैं। आगे खाई और पीछे अंधी चुड़ैल। दोनों की धड़कनें तेज है। डर के मारे उनके हाथ पैर थरथर कांप रहे थे। राहुल, मुझे मरना नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे मरना नहीं है राहुल।
चुप चुप, कुछ नहीं होगा। कुछ देर दोनों वहीं पर रहते हैं बिना हिले डुले। अंधी चुड़ैल यहां वहां हाथ मारती है, दोनों उसके हाथ नहीं लगते तो वापस जाने लगती है। तभी साक्षी जोर से सांस छोड़ती है। चुड़ैल फिर से उनके पास मुड़ जाती है। अरे उसे पता चल गया हम यहीं हैं। एक काम करो, मैं उसे उलझाता हूं, जब वो मेरे पास आए तो तुम भाग जाना नीचे, ठीक है? दोनों अलग अलग दिशा में मुड़ जाते हैं। राहुल जैसे ही भागता है, अंधी चुड़ैल राहुल का गला पकड़ के उसे उठा लेती है। राहुल को इस हालत में देख साक्षी जोर से चिल्लाती है, राहुल! अंधी चुड़ैल राहुल को मारकर साक्षी को हिल स्टेशन से धकेल देती है और फिर राहुल की लाश को भी नीचे फेंक देती है। अगली रात राहुल का भाई एक तांत्रिक के पास पहुंचता है। उस अंधी चुड़ैल ने मेरे भैया और भाभी की जान ले ली। मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, बस उस चुड़ैल को खत्म कर दो। ठीक है, चल आज उस अंधी चुड़ैल का नामो निशान मिटा दूंगा। दोनों पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं। संदीप पत्थरों पर खून देखकर रोने लगता है। तभी संदीप के सामने अंधी चुड़ैल आ जाती है। संदीप चुड़ैल को देखकर डर जाता है। तू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे भैया और भाभी का खून कर दिया तूने, तुझे तो मार ही दूंगा। अंधी चुड़ैल संदीप को हवा में उठा लेती है। तभी तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। अंधी चुड़ैल, उसे कुछ मत करना वरना तुम्हारा अंत कर दूंगा। तांत्रिक के मंत्रों का असर चुड़ैल पर दिख रहा था। चुड़ैल ने संदीप को छोड़ दिया। फिर तांत्रिक ने चुड़ैल के आसपास एक घेरा बना दिया, जिस घेरे से चुड़ैल बाहर नहीं निकल पा रही थी। तांत्रिक, मुझे जाने दे, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी। नहीं जाने दूंगा। तूने अब तक ना जाने कितने मासूमों को मौत के घाट उतारा है। उन सब के परिवारों के लिए मैं तेरा अंत कर दूंगा। ये कौन है? तूने इसके भैया और भाभी को कल रात मारा था, भूल गई? उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों मारा तूने उनको? ये मेरी जगह है, मैं यहाँ रहती हूँ और मुझे किसी का यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। जो यहाँ आएगा तू उन्हें मार देगी? हाँ हाँ, मार दूंगी, जैसे उन लोगों ने मुझे मारा था। कौन लोग? मैं भी सब लोगों की तरह हिल स्टेशन घूमने आई थी। कुछ लड़के मेरा पीछा कर रहे थे, उन्होंने मुझे अकेले में पकड़ लिया और मुझे पकड़ के ऊपर ले गए। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, किसी ने मेरी मदद नहीं की। उन लड़कों ने मेरी इज्जत लूट ली। अरे इसे बाहर से नीचे फेंक देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उन लड़कों ने अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझे जिंदा ही पहाड़ से नीचे फेंक दिया। तब से मैं यही रहती हूँ, चुड़ैल बनकर। अब यही मेरा घर है। यहाँ जो भी आएगा मैं उसे मार दूंगी, मार दूंगी। बोल तांत्रिक, मेरी क्या गलती थी, मुझे क्यों मारा गया? तांत्रिक चुड़ैल की बातें सुनकर मंत्रों का जाप बंद कर देता है। चुड़ैल मौका देखकर तांत्रिक के गले पे हमला करती है।
तांत्रिक फिर से मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है, पर अब वो कुछ नहीं कर पाता और फिर चुड़ैल तांत्रिक को मार देती है। ये हिल स्टेशन मेरा है, कोई यहाँ जिंदा नहीं बचेगा। संदीप पीछे देख देख कर भाग रहा होता है। अंधी चुड़ैल संदीप के सामने आके खड़ी हो जाती है और उसका गला दबोच लेती है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। चुड़ैल संदीप का गला छोड़ देती है, वो जमीन पर बैठ गिरता है। तभी चुड़ैल अपने पैर से संदीप का सिर कुचल देती है। ये हिल स्टेशन मेरा है, यहाँ जो भी आएगा मारा जाएगा।